लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट जल्द ही अनाउंस होने वाला है। इस बार के इलेक्शन में कई सारे सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स भी उतरे थे चुनाव में अपना हाथ आजमाने के लिए, और इस बार कौन जीता है कौन हारा है ये सुनना और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वो सेलिब्रिटीज जो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखते हैं वो भी इस बार चुनाव में औंधे मुंह आ गिरे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज इस बार चुनाव में उतरे और वो आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने पहली बार इलेक्शन में अपना हाथ आजमाने का ट्राई किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ वो यहाँ इलेक्शन में उतरी और खुशखबरी की बात यह है कि काफी भारी भरकम अमाउंट के वोट से आगे चल रही हैं, और साथ ही ये भी अनाउंस हो चुका है कि भाई वो विनर भी बन चुकी हैं। यानी कि हिमाचल के मंडी सीट से कंगना रनौत ने चुनाव लड़ा और वो वहां पर विनर भी बनी। अगला नाम है मनोज तिवारी का, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट से चुनाव में उतरे। बीजेपी कैंडिडेट हैं और इससे पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि उनके खिलाफ कन्हैया कुमार थे जो कांग्रेस की तरफ से खड़े थे, और मनोज तिवारी इस वक्त लीड कर रहे हैं। उन्हें भी जल्द ही विनर घोषित कर दिया जाएगा। अगला नाम आता है अरुण गोविल का, जो मेरठ की लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में उतरे। आपको बता दें कि रामायण के राम काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, काफी बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं। अरुण गोविल को लोगों ने जहां टीवी पर इतना प्यार दिया तो वहीं इलेक्शन में भी उनको प्यार की कमी नहीं हुई। यानी कि मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल को भी जीत मिली। अगला नाम है पवन सिंह का। काराकाट लोकसभा सीट से उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ा। बिहार की इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इस बीच जब लोगों से उनको काफी भारी मात्रा में प्यार की उम्मीद थी तो यहाँ पर एक्टर को थोड़ी सी निराशा मिली है। आपको बता दें कि पवन सिंह हार चुके हैं। पवन सिंह 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर इलेक्शन में उतरे थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगला नाम आता है शत्रुघ्न सिन्हा का, जो वेस्ट बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव में उतरे। तृणमूल कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। इससे पहले भी वो इस सीट पर लड़ चुके हैं, और आपको बता दें कि सुरेंद्रजीत अहलूवालिया के खिलाफ उनका मुकाबला हुआ जो कि बीजेपी से है। जो लोग शत्रुघ्न सिन्हा को सपोर्ट करते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त वोटों की गिनती में आगे चल रहे हैं और जल्द ही इस सीट पर जीत भी जाएंगे। अगला नाम आता है हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी ने तो लगा दी है हैट्रिक, क्योंकि 2014, 2019 और अब 2024 तीनों बार के लोकसभा इलेक्शंस में हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट पर विनर बनती दिखाई दे रही हैं। पिछले दो बार तो वो बनी ही हैं, और इस बार जिस तरह से उनके वोटों की गिनती इतनी ज्यादा आगे है तो भाई वो जल्द ही विनर डिक्लेयर भी कर दी जाएंगी। अगला नाम आता है रवि किशन का। रवि किशन जो बीजेपी के लिए गोरखपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन में उतरे थे, आपको बता दें कि वो काफी बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। लोगों ने उनको भर भर कर प्यार दिया है और उनको भी जल्दी विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ एसपी और बीएसपी के कैंडिडेट मुकाबले के लिए थे, लेकिन उन्होंने सभी को पछाड़ कर आगे अपनी गिनती चालू रखी है। अगला नाम आता है निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव का। लोकसभा इलेक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट सीट बताई जाने वाली सीट आजमगढ़ लोकसभा की सीट इस वक्त काफी ज्यादा क्रूशियल पॉइंट पर अटक चुकी है, क्योंकि यहाँ पर निरहुआ जो इस बात का दावा कर रहे थे कि वो आजमगढ़ की सीट पर जीत हासिल करेंगे, तो यहाँ उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 2019 में अखिलेश यादव ने उनको हराया था, और उसके बाद उपचुनाव में उनको जीत मिली थी, और अब जब 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हैं तो एक बार फिर से वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्टर यहाँ पर बीजेपी पार्टी से चुनाव में उतरे थे। अगला नाम है पवन कल्याण का, जो पीठापुरम लोकसभा सीट से चुनाव में उतरे थे। एक्टर ने जनसेना पार्टी से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में एक्टर को भारी भरकम वोट मिले हैं। एक्टर इस वक्त अपने वोटों की गिनती में काफी आगे चल रहे हैं, तो भाई उन्हें भी जल्द ही विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल हमने आपको बता दी है पूरी वो सेलिब्रिटी कैंडिडेट की लिस्ट कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। फिलहाल आप किसकी जीत और हार से खुश है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।